हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे। तो चलिए, कुछ नवरात्रा स्पेशल मैं बनाने जा रही हूँ डिश, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। इसके लिए मैंने दो केले लिए हैं। इस तरह से केले को आप अच्छे से छील लें। इसे बहुत ही टेस्टी और यम्मी मैं फलाहारी बना रही हूँ। इस तरह से आप छील लें दोनों केलों को। और इसमें मैंने मूँगफली, आप देख सकते हैं, एक कटोरी के लगभग मैंने मूँगफली लिए हैं। इसे डालेंगे। दो चम्मच के लगभग मैंने चीनी लिए हैं, जो आप देख सकते हैं। मखाना मैंने लिए हैं, जो आप देख सकते हैं। इस तरह से आप चाहें तो मखाना भून भी सकते हैं, या फिर इस तरह से इसे मूँगफली को मैंने इसमें डाल करके इसे छिलके हटा लें। इस तरह से देख सकते हैं। इस तरह से आप इसे पूरे हटा लें और इसे साफ कर लें। अच्छे से साफ हो जाएंगे। इस तरह से आप बनेंगे तो कर लें। इधर मैं केले को कट कर लूँगी। इस तरह से आप कट करें, चक्कू की सहायता से इसे पतले पतले कट कर लें। बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है और फ़ायदेमंद भी है। केला में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, जो आप लोग को मालूम ही होगा। तो चलिए, मैं सबको कट कर लें। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे केले को कट कर लिया है। इस तरह से आप भी कट कर लें। इस तरह से इसमें थोड़ा सा आप चीनी ऐड कर दें। दो चम्मच के लगभग मैंने चीनी ऐड की है। तो काफ़ी ही सुंदर और अच्छा डिश बन करके तैयार होता है। मूँगफली को भी मैंने इस तरह से इसमें डाल दिए हैं। छिलके पूरे हटा लिए, आसानी से छिलका हट जाता है। भून करके आप चाहें तो खाने को ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे ही। मैंने सूखा ही से भून करके पहले से रखा था। आप भी इसी तरह से रख के उन सबको सारे इन्ग्रीडियंट्स को आप मिला दें। देखिए कितना यम्मी और टेस्टी बन कर तैयार हो गया। बहुत जल्दी बन भी जाता है और बहुत ही भारी शुद्ध और बहुत ही टेस्टी और यम्मी है रेसिपी है। आप लोग भी इसे नवरात्रि स्पेशल बनाएं नवरात्रि में और इंजॉय करें। कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आप लोग को अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।